पैदाइशी तौर पर कोई इंसान ऊंचा नहीं, कोई इंसान नीचा। कि दर हकीकत अफगानिस्तान में इन तालिबान की हुकूमत जो है ये गॉड गिवन है। वो जो एक शेर है कि खुद ब खुद तैयार है पके हुए फल की तरह, देखिए गिरता है आखिर किसकी झोली में फरंग। तो ये हालात ने इस दर्जे सूरत इख्तियार कर ली थी कि अफगान ये तालिबान को कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली और उनकी जो है एक हुकूमत कायम हो गई। बल्कि ये गोया कि अल्लाह ताला की जो है हिकमत का एक जहूर हुआ है इसमें। अमरीका ने और अमरीका के कहने पर पाकिस्तान ने, सऊदी अरब ने, इमारात ने तालिबान को सपोर्ट किया। बेनज़ीर की हुकूमत थी, कहाँ बेनज़ीर जैसे सेक्युलर जहन की और आज़ाद ख्याल किस्म की औरत, कहाँ तालिबान मौलवी मुलाटे उनके ख्याल के मुताबिक। सऊदी अरब ने अमेरिका के हुक्म से मदद दी, इमारात ने मदद दी, पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया, सऊदी अरब ने तस्लीम कर लिया और इमारात ने तस्लीम कर लिया। उनकी जो है एम्बेसडर्स वो आकर यहाँ बैठ गए। उसकी वजह क्या है? अमेरिका समझता था ये ठीक नहीं, मुल्ला मुलाटे हैं, इन्हें कोई दुनिया का तो इल्म है नहीं, ये जानते ही नहीं, लिहाजा इनको इनसे खेलना आसान है, इन्हें हम अपनी उंगलियों पर नचाएंगे, इनको कठपुतली बना लेंगे। इस पहलू से उन्होंने कहा कि ये अच्छा है, ये लोग अगर आ जाएं तो ठीक है, वो ख़तरा नहीं है कि यहाँ कोई एक ऐसा इस्लामी निज़ाम सामने आ जाए जो जदीद दुनिया के तमाम तसव्वुरात और तकाज़ों को भी पूरा करता हो और किताब और सुन्नत के तकाज़ों को भी पूरा करता हो, इसका कोई अंदेशा नहीं है, लिहाजा उन्हें मदद दी। लेकिन हुआ क्या? दो काम ऐसे हुए हैं कि एक तो अफगानिस्तान के 90% इलाके पर कब्जा जो हुआ तो अमन, कुल्ली अमन, चोरी खत्म, डकैती खत्म, जिना बिलजबर खत्म, जिना खत्म। तो अब आंखें खुल गई अमरीका की, ये क्या हो रहा है? और मुल्ला उमर के एक हुक्म पर पॉपी की काश्त जीरो। अब यह है कि कुफर के ऐवानों में पूरी दुनिया में खतरे की घंटियां बजी। यह मामला क्या है? नारदद इश्क के खूनी जिगरे पैदा शुद, हुस्न लर्जीद के साहिब नजरे पैदा शुद। ये तो हम जिससे डर रहे थे, जिसका हमें खौफ था, जिसका हमें अंदेशा था, वो तो हकीकत सामने आ रही है। अभी तो पूरा निज़ाम की कोई बात नहीं है, अभी तो इन्होंने चंद सजाएं नाफिज की हैं, इससे ज़्यादा तो अभी उनका कॉन्सर्ट भी कोई नज़र नहीं आया। हम खुद जब गए हैं वहाँ पर, मैं एक वफद लेकर गया हूँ, तो ना उनके जहन में कोई सियासी निज़ाम का कोई वादे तस्वुर था, ना मैंने उनसे पूछा आपके कोई पार्लियामेंट मजलिस से शुरा मजलिस से मिली कि नहीं, कोई नहीं है, ना कोई माशी निज़ाम का उनके सामने नक्शा था। मैंने पूछा कि आपके यहाँ बैंक हैं कि नहीं है, मैंने कहा आप अपना पैसा कहाँ रखते हैं, हमारे पास पैसा है ही नहीं। तो मतलब ये कि ये कोई निज़ाम विज़ाम की बात थी नहीं, लेकिन ये कि चोरी का हाथ काटना, जिना की सज़ा देना, रजम करना, कत्ल के बदले कत्ल, अलहरान मैदान के अंदर और सर जो है कलम करना या सीने के अंदर, एक साहब ने जो कि आई विटनेस थे उन्होंने देखा था कि एक शख्स ने एक दूसरे शख्स को कत्ल किया सीने में खंजर भोंक कर। अब उसको पकड़कर रस्सियों से बांध कर ला के डाल दिया गया उस स्टेडियम के अंदर, खुला और ठठ लगे हुए लोगों के देख रहे हैं, और उसकी बीवी से, मकतूल की बीवी के हाथ में खंजर देकर कहा गया भोंको इसके सर, इसके सीने के अंदर, उसने किया। अब ये जो मनाजिर हैं इनको देखने के बाद क्या कहीं कोई जुर्म रह जाएगा? जैसे कि इससे पहले भी था मामला दुनिया के सामने कि सऊदी अरब जो है वो क्राइम फ्री एक माशरा बन गया था जब से वहाँ पर इस्लामी जो जो हदूद और ताज़ीदात नाफिज हुई, ये मामला इन्होंने देख लिया कि ये तो हो गया। तो इस एतबार से उनको जो है अब बड़ी शदीद ख़तरे की बात हुई। अलबत्ता ये ज़रूर नोट कर लीजिए कि इस इब्तदाई अरसे में तालिबान से कुछ गलतियाँ भी हुई। पहली बात तो ये कि ना इनकी कोई तालीम हुई थी, ना तरबियत हुई थी, ना तंजीम हुई थी, ना कोई डिसिप्लिन कायम था, ये तो मॉब था, लिहाजा इनसे बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई। मसलन मदार शरीफ में ईरान के सफारतखाने पर हमला किया, सफारतकारों को कत्ल कर दिया। फिर यह कि इनके अंदर मजहबी शिद्दत पसंदी बहुत थी, कट्टर हनफियत, और इसके अंदर कुछ ना कुछ तशद्दुद का एलिमेंट भी। जाहिर बात है उन आम लोगों के, अनपढ़ लोग, अब उनके जहन में जो चीज़ें थी, दाढ़ी जो है सुन्नत मौकदा है, नहीं रखता उसको सजा दो, और हजाम जो है उसका सर कलम कर दो अगर वो शेविंग करता है तो। इसी तरीके से पर्दे का शिद्दत के साथ निफास किया गया, औरतें बाहर क्यों निकले, अपने घरों में रहो, या ये कि पूरा बुरका लेकर निकलो
जो भी आपके यहाँ दुनिया भर में शटल कॉक जिसको कहते हैं, वो जो एक खेमे की शक्ल में होता है, तो वो ले लो। तो इस हवाले से सख्त तशद्दुद पसंदी भी हुई है और कुछ गलतियाँ भी हुई हैं, कुछ ज़्यादतियाँ भी हुई हैं और कुछ इंतहाई तंग नज़र मजहबियत भी हुआ। ये हकायक हैं जो हमें मानने पड़ेंगे।